हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर जारी है जेपीएससी पीटी पेपर 2 के सिलेबस का एक पार्ट है झारखंड आंदोलन, और उस झारखंड आंदोलन के तहत सिलेबस में कुछ चैप्टर डाले गए हैं और उन चैप्टर का नाम था झारखंड के सदान, झारखंड के 32 जनजातियां, झारखंड राज्य के आंदोलन, झारखंड राज्य संबंधित जनजाति आंदोलन और झारखंड और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट्स। इस सब चैप्टर आपको झारखंड आंदोलन के तहत पढ़ने हैं। उसमें से हम झारखंड के सदान खत्म कर चुके थे लेक्चर नोट्स के माध्यम से, और नेक्स्ट अभी हम चल रहे थे झारखंड के आदिवासी, जिसमें से आदिवासी क्या है, कौन सा आर्टिकल के तहत है, आदिवासी को अधिसूचित करने का पावर किसके पास है, किस आर्टिकल के तहत है, आदिवासी किसे कहते हैं, झारखंड में वर्तमान में कितने जातियों को आदिवासी में शेड्यूल अधिसूचित किया गया है। मैंने एक लिस्ट बनाया था और उस लिस्ट में ही पहला था संथाल, जिसके बारे में हम समझ चुके थे उसके सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक क्रिया। नेक्स्ट बारी है आदिवासी के तहत ही झारखंड के उरांव जनजाति। छात्रगण, आप नोट्स लिखेंगे, हेडिंग देंगे आदिवासी और डैश देके उरांव जनजाति, उरांव, उरांव जनजाति, उरांव जनजाति। और इसका पहला पॉइंट का नोट्स लिखना प्रारंभ करेंगे आप लोग। स्टार्ट कीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, उरांव झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। उरांव झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और यह भारत की उरांव झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत की यह चौथी बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है जो झारखंड के कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव की प्रतिशतता, परसेंटेज ऑफ उरांव, जो झारखंड की कुल जनजातीय प्रतिशतता में उरांव की प्रतिशतता 18.14% है, झारखंड की कुल जनजातीय में इसकी प्रतिशतता 18.14% है। जो झारखंड के मुख्य रूप से दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमंडल में निवास करती है। और इन दो क्षेत्रों पर झारखंड की
90% और इन दो क्षेत्रों पर झारखंड की 90% उरांव जनजाति का जमाव है, उरांव जनजाति का जमाव है। जमाव है नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव का मूल निवास स्थान दक्कन अर्थात कोंकण क्षेत्र, अर्थात कोंकण क्षेत्र को माना जाता है, को माना जाता है। माना जाता है जिसका सभी जनजातियों की अपेक्षा, जिसका सभी जनजातियों की अपेक्षा झारखंड में सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसका सभी जनजातियों की अपेक्षा झारखंड में सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, उरांव जनजाति का झारखंड में, उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश शेरशाह के शासन काल में हुआ था, शेरशाह के शासन काल में हुआ था। जिसे भाषा एवं प्रजाति, जिसे भाषा आधार पे और प्रजाति, जिसे भाषा और प्रजाति के आधार पर इसका संबंध द्रविड़ समूह से है, मतलब दक्षिण से है, द्रविड़ मतलब दक्षिण, द्रविड़ समूह से है, द्रविड़ समूह से है। जिनकी अपनी एक अलग भाषा है, भाषा है जिसे कुड़ुक कहते हैं, कुड़ुक कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है, जिसका अर्थ मनुष्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उरांव जनजाति की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, उरांव जनजाति की सामाजिक आर्थिक
सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशिष्टताएं विशिष्टताएं कि अपनी एक अलग पहचान है, कि अपनी एक अलग पहचान है, अलग पहचान है। पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट, त्योहारों के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर पुरुष वर्ग द्वारा, त्योहारों के अवसर पर पुरुष वर्ग जेंट्स पुरुष वर्ग द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को, पुरुष त्योहारों के अवसर पर पुरुष वर्ग द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करैया, करैया तथा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया, खनरिया कहते हैं, कहते हैं। कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उराव, उराव जनजाति में युवा गृह, युवा गृह का प्रचलन है। जिसे धूम कुड़िया, जिसे धूम कुड़िया या धूम कुड़िया, जिसे धूम कुड़िया, धूम कुड़िया, जिसे धूम कुड़िया कहते हैं। जिसमें प्रवेश, प्रवेश 3 वर्ष में एक बार सरहुल, जिसमें प्रवेश 3 वर्ष में एक बार सरहुल के समय होता है। जिसमें प्रवेश 3 वर्ष में एक बार सरहुल के समय होता है, सरहुल के समय होता है। जिसमें प्रवेश की उम्र सीमा, उम्र सीमा 10 से 11 वर्ष, जिसमें प्रवेश की उम्र सीमा 10 से 11 वर्ष को दिया जाता है, दिया जाता है। जिसमें, जिसमें युवकों के लिए, जिसमें युवकों के लिए फॉर जेंट्स अलग अलग व्यवस्था होती है। जिसमें युवकों के लिए जोंख एड़पा, जिसमें युवकों के लिए जोंख एड़पा और युवतियों के लिए, और युवतियों के लिए पेल एड़पा, जिसमें पुरुषों के लिए जोंख एड़पा और युवतों की, युवतियों के लिए पेल एड़पा, एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। होता है,
उसमें देखिए होता है जोंक का अर्थ जोंक, जोंक, जोंक का अर्थ कुंवारा होता है, कुंवारा होता है, जोंक का अर्थ कुंवारा होता है। कुंवारा होता है उसी में पेल एड़पा, पेल एड़पा, पेल एड़पा की देखरेख करने वाली, पेल एड़पा की देखरेख करने वाली महिला को, महिला को बड़की धांगरिन, पेल एड़पा की देखरेख करने वाली महिला को बड़की धांगरिन, बड़की धांगरिन कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उरांव जनजाति की पंचायत को पंचोरा, उरांव जनजाति के अपने पंचायत को पंचोरा, उरांव जनजाति अपने पंचायत को पंचोरा और उरांव अपने गांव के प्रधान को, उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा और अपने गांव के प्रमुख को महतो कहते हैं, और अपने गांव के प्रमुख को महतो कहते हैं। नेक्स्ट, उरांव जनजाति में विशेष समारोह नाच के मैदान, डांसिंग ग्राउंड, उरांव जनजाति में विशेष समारोह स्थल, विशेष समारोह स्थल नाच के मैदान को अखरा कहते हैं, अखरा, अखरा कहते हैं। अखरा कहते हैं। कहते हैं इस जनजाति में, इस जनजाति में, जनजाति में सर्वोच्च देवता को, सर्वोच्च देवता को धर्मेश, धर्मेश कहते हैं, कहते हैं, जबकि पहाड़ देवता को मरांगबुरु, जबकि पहाड़ देवता को, जबकि पहाड़ देवता को मरांग गुरु, जबकि पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहते हैं, मरांग गुरु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उरांव अपने पुजारी को पाहन, पाहन तथा उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा, तथा उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा जिस स्थान पर, तथा उरांव
लोगों की, पूर्वजों की आत्मा जिस स्थान पर निवास करती है उसे उसे शासन, उसे शासन कहते हैं, उसे शासन कहते हैं। इनके ग्राम देवता को ठाकुर देव कहते हैं, ठाकुर देव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मा और सरहुल, कर्मा और सरहुल इस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्यौहार है त्यौहार है इनके गांव को, इनके गांव को, इनके गांव को भूई हरी, इनके गांव को भूई हरी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है इनका मुख्य पेशा वर्तमान में कृषक की है, वर्तमान में कृषक की है। कृषक की है। नेक्स्ट पॉइंट, उरांव जनजाति के, उरांव जनजाति के समाज में मुख्यतः 14 गोत्र को बोलते हैं किली। उरांव जनजाति के समाज में 14 गोत्र अर्थात 14 किली, 14 गोत्र प्रकट में किली पाया जाता है, 14 किली या 14 गोत्र पाया जाता है, जिसके अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे एक्का गोत्र डैश कछुआ प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, जैसे एक्का गोत्र प्रतीक चिन्ह कछुआ। और लिखिए कुछ, तिरकी, तिरकी गोत्र है, यहां लिखिए आप लोग चूहा, उसका गोत्र का सिंबल है चूहा। और लिखिए खालगो, वही खालको, खालगो, या भाई या तो या लिख सकते हैं खालको, खालको या खालगो, मछली, मछली, मिंज ये भी है मछली, तिग्गा गोत्र, तिग्गा गोत्र, देखिए डैश देखे बंदर प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट, किसपोट्टा, किसपोट्टा इसका प्रतीक चिन्ह है जंगली सुअर। नेक्स्ट, टोप्पो, टोप्पो, टोप्पो छोटी चिड़िया,
स्मॉल बर्ड्स, और लिखिए कच्छप, ये भी कछुआ, एक्का का भी कछुआ था और कच्छप गोत्र का भी प्रतीक चिन्ह कछुआ। और लिखिए लकड़ा, लकड़ा इसमें लिखिए बाघ, नेक्स्ट लिखिए कुजूर, कुजूर लता, पेड़ों की लताएं या लतर, लता इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, नेक्स्ट होगा हेडिंग मुंडा जनजाति, हेडिंग है मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति हेडिंग है मुंडा जनजाति। इसमें लिखिए आप लोग, मुंडा का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति, आर्टिफिशियल मैन, मुंडा का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है और यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंध रखती है, संबंध रखती है और यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है और यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। जो झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या का, जो झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या का 14.56% है, 14.56% है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति का मूल भूमि तिब्बत, मुंडा जनजाति की मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है। माना जाता है माना जाता है जिसका मुख्य जमाव रांची जिला है। जिसका मुख्य जमाव मतलब सबसे अधिक कहां पे है, जिसका मुख्य जमाव रांची जिला है। यद्यपि इनका जमाव अन्य जिलों में भी है, अन्य जिलों में भी है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति या मुंडा लोग अपनी जाति को, अपनी जाति को होड़ो, होड़ो कहते हैं। होड़ो ऐसे बोलते हैं, होड़ो, होड़ो या होरो कहते हैं।
और होरों का अर्थ मनुष्य होता है, और होरों का अर्थ मनुष्य होता है, मनुष्य होता है। यद्यपि मुंडा जनजाति को कोल, यद्यपि मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी पुकारी जाती है, कोल के नाम से भी पुकारा जाता है। जाता है नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति की अपनी एक विशिष्ट, मुंडा जनजाति की अपनी एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडारी भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। समूह से है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा गांव में तीन विशेष स्थल, थ्री इंपॉर्टेंट लैंड्स। मुंडा जनजाति में या मुंडा गांव में तीन विशेष स्थल होते हैं, जिसे क्रमशः सरना, सरना स्थल होता है पूजा का, अखड़ा डांस का मिलान होता है, जिसे क्रमशः सरना, अखड़ा एवं शासन, वही पूर्वजों की आत्मा एवं शासन कहते हैं। जिसमें पूजा क्षेत्र को सरना, जिसमें पूजा क्षेत्र को सरना और नाच के मैदान और पंचायत को स्थल को अखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा में भी अन्य जनजातियों की तरह युवा गृह देखने को मिलता है, जिसे गीती ओड़ा कहते हैं। गीती ओड़ा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप, मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक
प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, आयोजित विवाह है। यद्यपि विवाह के अन्य प्रकार भी पाया जाता है, जैसे विधवा विवाह को सगाई विवाह कहते हैं, एवं मुंडा में वधु मूल्य को गोनोंग टाका, टाका गोनोंग टाका कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मुंडाओं में जो विवाह संस्कार संपन्न होती है उसे अरंडी, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडाओं द्वारा खेती के लिए निर्मित भूमि को खुटकट्टी, भूमि कहते हैं, इनके प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का अर्थ, परिवार से है, उसी में जिसमें गांव के प्रधान को इनके गांव के प्रधान को मुंडा या हातू मुंडा इनके गांव के प्रधान को मुंडा या हातू मुंडा कहा जाता है। और कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या परहा पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडाओं के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है जबकि ग्राम देवता को हातू मुंडा, कहा जाता है। एवं कुल देवता को ओड़ा बोंगा, एवं कुल देवता को ओड़ा
ओड़ा गूंगा, पहाड़ देवता को बूरू बोंगा, जल देवता को इकीर, जल देवता को इकीर, इकीर बोंगा कहते हैं, कहते हैं। उसमें यद्यपि मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी, यद्यपि मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी, यद्यपि मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसाउली, यद्यपि मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसाउली या देसाउली है, देसाउली है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजले ने रिजले रिजले ने मुंडा जनजाति के तीन सौ चालीस गोत्र का तीन सौ चालीस गोत्र का जिक्र किया है, तीन सौ चालीस गोत्र का जिक्र किया है। उसी में जबकि सोमा मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राम सॉरी मोनोग्राफ जबकि सोमा मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ का नाम है मुंडा, मोनोग्राफ का नाम है मुंडा, अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में या अपने मुंडा में मुंडा जनजाति के तेरह उप शाखा सब ब्रांच तेरह उप शाखाओं की चर्चा की है, यद्यपि मुंडाओं की मुख्य शाखा दो ही है, यद्यपि मुंडाओं की मुख्य शाखा दो है, प्रथम महली मुंडा एवं द्वितीय कपाट मुंडा, प्रथम महली मुंडा एवं द्वितीय कपाट मुंडा। कपाट मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति में तलाक की भी प्रथा है जिसे तलाक की भी प्रथा है जिसे जिसे साकमचारी जिसे साकमचारी साकमचारी कहते हैं, कहते हैं। इनका समाज परिवार पितृसत्तात्मक, इनका समाज परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली मुंडा जनजाति की परंपरा एवं
विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा को मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा को सोसो बोंगा, सोसो बोंगा, सोसो बोंगा कहते हैं, सोसो बोंगा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति का मुख्य पोषा, मुंडा जनजाति का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन है। पशुपालन है और पशु के त्यौहार को सोहराय और पशु के त्यौहार को सोहराय कहते हैं। सोहराय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई, जबकि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को परैया या पारैया, पारैया या परैया कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति में पाए जाने वाले प्रमुख गोत्र और उसके प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं, सोए गोत्र, देखिए प्रतीक चिन्ह मछली, सोए का प्रतीक चिन्ह मछली। नेक्स्ट, नाग गोत्र का नाम है, देखिए प्रतीक चिन्ह सांप, होड़ो, इसके प्रतीक चिन्ह कछुआ। नेक्स्ट, बोदरा गोत्र है, बोदरा का प्रतीक चिन्ह है मोर। और लिखिए टोपनो, लिखिए इसमें लाल चीटी। नेक्स्ट लिखिए भेंगरा, इसमें लिखिए आप लोग घोड़ा प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट, पूर्ति गोत्र है, घड़ियाल। अब देखिए उसे लिखे इत्यादि, और गोत्र भी है जिसके अलग अलग सिंबल की मान्यता प्राप्त है, घड़ियाल इत्यादि। तो छात्रगण,
झारखंड के आदिवासी के तहत अभी तक हमने 3 नोट्स की चर्चा की और उसके बारे में समझे कि समाज, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक का परिदृश्य कैसा है, किस नाम से जानी जाती है, उसकी क्या प्रतिष्ठा है और झारखंड के कौन से जिलों में इसका जमाव देखने को मिलता है। अर्थात हमने अभी तक संथाल, उरांव, मुंडा झारखंड की 3 सबसे बड़ी जनजातियों का जिक्र किया है। अगले क्लास में हम अन्य जनजातियों पर चर्चा करेंगे और नोट सीखना भी प्रारंभ साथ साथ करेंगे। ओके, थैंक यू।